हाथरस में 2 जुलाई को हुए हादसे में 121 लोगों की मौत ही नहीं हुई बल्कि सैकड़ों परिवार भी उजड़ गए। अगर जिला प्रशासन चाहता तो इन 121 लोगों को मरने से बचा सकता था, इस हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन हाथरस के जिला प्रशासन ने लोगों की भीड़ के मुताबिक उचित बंदोबस्त नहीं किए। हाथरस के जिला प्रशासन से कहां चूक हुई, आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा भोलेनाथ के सत्संग के आयोजक ने कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हाथरस के जिला प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में आयोजक ने करीब 80,000 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की बात लिखी थी और जिला प्रशासन ने बिना कुछ सोचे समझे इस कार्यक्रम की मंजूरी भी दे दी। मंजूरी देने के बाद प्रशासन भीड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करना भूल गया। 80,000 से 3 गुना ज्यादा लोग सत्संग में पहुंच गए। 2.5 लाख लोगों की भीड़ आसमान से तो वहां आई नहीं, या फिर अचानक से वहां प्रकट हो गए हो। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह इकट्ठा होने में ही करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन भी नेशनल हाईवे के किनारे ही हो रहा था, तो जाहिर सी बात है लाखों लोगों के आने से हाईवे पर ट्रैफिक जाम भी हुआ होगा और ट्रैफिक जाम होने पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में इसकी सूचना भी गई होगी। क्या तब भी पुलिस और जिला प्रशासन को यह एहसास नहीं हुआ कि 80,000 की परमिशन के बावजूद 2.5 लाख लोग वहां कैसे आ गए, कहां से आ गए, और अगर आ गए हैं तो इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? ना तो सत्संग के पंडाल में जाने के लिए एंट्री पॉइंट बनाए गए और ना ही बाहर निकलने के लिए कई सारे एग्जिट पॉइंट्स। हालात पर नजर रखने के लिए सत्संग के पंडाल में CCTV भी लगाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ तक कि 2.5 लाख लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी नहीं की गई थी। आमतौर पर ऐसे आयोजनों के लिए व्यवस्था की मांग करने वाली पार्टी से पुलिस तैनाती का शुल्क लिया जाता है, लेकिन लगता है आयोजकों ने पुलिस को यह शुल्क दिया ही नहीं, जिस वजह से सिर्फ नाम के लिए ही वहाँ पर पुलिस तैनात थी। इमरजेंसी या भगदड़ होने पर, जैसा कि हुआ भी, हालात को काबू करने के लिए पुलिस के पास एक बैकअप प्लान तैयार होता है। क्या हाथरस में भी पुलिस ने कोई ऐसा बैकअप प्लान बनाया था? लगता तो नहीं, शायद नहीं, क्योंकि अगर होता तो 121 लोगों की मौत नहीं होती। उम्मीद है कि हादसे की जांच के लिए बनाई गई SIT सभी पहलुओं पर ध्यान देगी। लोगों की आस्था के साथ खेलने वाले सूरजपाल और उसके सेवादारों के खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा और जिला प्रशासन भी अपने ढीले सिस्टम को दुरुस्त करेगा ताकि उन 121 बेकसूर लोगों को और उनके परिवारों को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा देश भर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आखिर में हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। खबर में इतना ही। मेरा नाम आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।